ये देखिए दोस्तों, टी सीरीज का 32 इंच का सेट है। इसका जो मॉडल नंबर है TX80K है। और देखिए इस सेट को हमने ओपन कर रखा है, फाड़ देखिए इसमें बैकलाइट से नहीं जल रहा। और ये देखिए जब हम इसको ऑन करेंगे सेट को, ये देखिए स्टैंड बाय मोड पे है अभी। इसमें बैकलाइट से हमने टेस्टर से चेक किए तो बैकलाइट बिल्कुल ठीक है, मतलब बैकलाइट ख़राब नहीं है। और जैसा देखने में लगेगा आपको कि ये बैकलाइट्स का ही फॉल्ट है, क्योंकि जब हम इसको ऑन करते हैं, मैं दिखा देता हूँ ये कैसा हमको देखने को मिलता है। इसका सप्लाई जैसे अप होकर डाउन होता है, ये देखिए, ये देखिए मैं सेट को स्टैंड बाय से रिलीज कर रहा हूँ। ये देखिए स्टैंड बाय से रिलीज हमने कर दिया और मीटर की तरफ आप देखिए, ये देखिए 42 वोल्टेज से अप नहीं हो रहा। और आप यहाँ से देखोगे बैकलाइट्स इसमें बिल्कुल नहीं जल रही। ये देखिए सप्लाई जैसे हमारी बैकलाइट्स ख़राब होती है, उसी तरह से सप्लाई बूस्ट होकर डाउन हो जाती है। मैं दोबारा से आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए सेट को मैं दोबारा से रिलीज़ करूँगा। देखिए आप मीटर की तरफ देखिए, मैंने पावर इसको अभी ऑन करना है तो देखिए ये अभी 17.8 वोल्ट पर आ चुका है। मैं दोबारा से इसको ऑन कर रहा हूँ, देखिए सेट ऑन हो चुका है और वोल्टेज देखिए अब 42 वोल्ट से ऊपर नहीं जा रहा। और ये ना ही इन्वर्टर बोर्ड ख़राब है, ना ही ये बैकलेस ख़राब है। बैकलेस हमने आपके सामने चेक कर लिया है, बैकलेस मैंने जब चेक की तो बैकलेस अच्छे से जल रही है। ये देखिए ये एक सिंपल सा फॉल्ट है। जब आप ध्यान से इस फॉल्ट के लिए आप बैकलाइट्स वगैरह को आप जल्दी से ना खोलिए, क्योंकि कुछ डिटेल्स हैं जो आपको जाननी चाहिए, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। बैकलाइट चेंज करने से फॉल्ट नहीं निकलेगा। आपको इस तरह फॉल्ट कन्फर्म करने के लिए आप क्या कीजिए, अलग से बैकलाइट्स यहाँ पर लगाकर चेक कर लीजिए कि बैकलाइट्स का फॉल्ट है, इन्वर्टर बोर्ड का फॉल्ट है या कोई बोर्ड में अदर फॉल्ट है। तो आप ध्यान से देखोगे, देखिए इसे फिल्टर लगे आइए आउटपुट का है, जो 100 वोल्ट का होता है। ये 25 वोल्टेज के होते हैं, 470 UF या 1000 UF के। और जो यहाँ पर 17-18 वोल्टेज जो इन्वर्टर वोल्ट के लिए, इन्वर्टर बोर्ड के लिए बनती है, ये देखिए 12 वोल्ट बनती है हमारे सर्किट के लिए। जो हम पर ये फिल्टर लगे होते हैं 25 वोल्ट के, और जो 35 वोल्ट का फिल्टर एक ही लगा होता है, ये यहाँ पर जो इन्वर्टर बोर्ड की सप्लाई के लिए लगा होता है, सप्लाई यहाँ पर बनती है इन्वर्टर बोर्ड के लिए। और यहाँ पर जाकर बूस्ट होती है, बूस्ट होकर ही हमें इन्वर्टर बोर्ड की सप्लाई मिलती है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि एक ही फिल्टर लगाए, और ध्यान से देखोगे, देखिए ये यहाँ से फूला हुआ है, देखिए बीच से आप देखोगे ध्यान से आपको पता लगेगा ऐसे फूला हुआ है, एक ही फिल्टर से में लगा होता है। ये फिल्टर का फॉल्ट होता है। मैंने पहले भी कई बार इसको फॉल्ट को निकाला है, तो सोचा कि आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको, इसलिए मैंने आपके साथ डिटेल शेयर करना चाहा। छोटा सा वीडियो है, छोटा सा जानकारी है, लेकिन आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगा। अभी मैं ये फ़िल्टर बता देता हूँ। ये 35 वोल्ट मैंने अभी नंबर चेक किया, 330 UF का। आप चाहो तो उसमें 35 वोल्ट का ही डालना है, लेकिन इसमें UF है जो 330 है, वो 470 या 1000 UF तक डाल सकते हैं, मतलब वैल्यू अप डाउन कर सकते हैं। कोशिश करिए कि वैल्यू अप हो डाउन ना हो, और वोल्टेज आप लगभग इससे नीचे नहीं डाल सकते, क्योंकि फ़िल्टर जल्दी ज़्यादा टाइम नहीं निकालेगा और ये ख़राब हो जाने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब 25 वोल्टेज का नहीं डालना, 35 वोल्ट का डालना है, या तो आप 40 वोल्ट तक भी डाल सकते हो। तो 35 वोल्ट का मेरे पास अवेलेबल है, 35 470, ये 35000 UF में आप कोई से भी डाल सकते हैं। मैं भी डाल के आपको चला के भी दिखाता हूँ। जो हमने फ़िल्टर यहाँ से निकाला है, देखिए ये रहा वो, जिसका नंबर है 35 वोल्ट 330 UF। जो हमने डाला है वो 35 वोल्ट 470 UF का है ये वाला। और कोशिश कीजिए आप, यदि पुराना हो, यदि कैल्ट्रॉन का हो या अच्छी क्वालिटी फ़िल्टर ठीक है, यदि पुराना हो वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसमें हमारा रिप्लेसमेंट की या रिपीट प्रॉब्लम की, रिपीट आने की कोई चांस नहीं होती। तो पुराना मिल जाए तो वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि कस्टमर को पुराने से कोई मतलब नहीं होता, उसको मतलब होता है कंप्लेंट से। यदि आप कोई पुराना अच्छी क्वालिटी का होगा, यदि पुराना होगा किसी सेट में, तो उसमें कंप्लेंट का कोई गुंजाइश नहीं होती। तो सेट अभी हम आपको एक बार दिखा देते हैं चला के कि हमारा फॉल्ट निकला है नहीं निकला है। देखिए इसको एक बार ऑन करते हैं, देखिए सेट ऑन हो चुका है। और जो बूस्ट वोल्टेज नहीं हो रहा था वो देखिए, जो 42 वोल्टेज से ऊपर अप नहीं हो रहा था, वो आपके सामने 58-59 के आसपास वोल्टेज हो चुका है। और यहाँ से होल से बैकलाइट्स भी दिख रही है, मतलब बैकलाइट्स चल गई है। और सिर्फ एक फ़िल्टर चेंज करने से हमारा फॉल्ट निकल गया है। ये देखिए सेट को आगे से एक बार देख लेते हैं कि आगे पिक्चर बन गया है, नहीं बना, बन गया होगा 100%। ये देखिए सेट हमारा चल गया है, आपके सामने नो सिग्नल भी आ चुका है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा,
वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, इस तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े क्योंकि इस तरह वीडियो में डालता रहता हूँ। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।